हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं पंकज कुमार गुप्ता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्टीट्यूट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, एनटीपीसी, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का डेट नज़दीक आ गया है और जुलाई के लास्ट वीक से जो है आपके एग्ज़ाम्स भी कंटिन्यू शेड्यूल होने लगेंगे। तो देखिए, आपके लिए मैं कंटिन्यू जो है 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपके लिए कंटिन्यूस मैं लाऊंगा। आज ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जिसमें मैं केवल 10 प्रश्नों का ही आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। और मैंने उस 10 प्रश्नों में उस प्रश्नों का चुनाव किया है जो आपके एग्ज़ाम में 100% हूबहू तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन इस प्रकार के जो आते हैं क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं कठिन माने जाते हैं और उस प्रकार के ही प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, अल्फाबेट हो गया, नंबर सीरीज हो गया, पहेली हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है। तो मैं आपके सामने आज तो 10 प्रश्न लाया है, लेकिन इसके बाद जो है मैं आपके सामने 20-20 प्रश्नों का समूह लेकर एवरी डे आपके सामने शाम को चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं लेकर आऊँगा। और आपके सामने ये पहला प्रश्न है, जैसा कि प्रीवियस पेपर को देखा गया है, मैंने पूरी पहले के जो भी ALP में हुआ, NTPC में जो भी प्रश्न पत्र आया हुआ है सबका एनालिसिस किया है और किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों पर मैं फोकस करते हुए आपके सामने इन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आइए कथन निष्कर्ष से ही पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा पर्याप्त है। स्टूडेंट देखो, कथन निष्कर्ष में टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनमें से ये निर्णय से संबंधित प्रश्न है। और एक आदमी एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है आप इन दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद देना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है तो वो पूछने के पहले का कारण क्या होना चाहिए वो आपको इन दोनों में से बताना है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अगर मिठाई खाना पसंद करता है तो उससे ही तो हम पूछेंगे क्या तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ बोल रहा है, राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण प्रांतों का दर्शन किया है। सबसे पहले जो है एक व्यक्ति ने उसके बारे में जानकारी लिया, क्या लिया कि जब वो जाना कि वो भारत के पूर्व में भी घूमा है, पश्चिम में भी घूमा है, उत्तर में भी घूमा है, दक्षिण में भी घूमा है, तब उसने प्रश्न किया राजू से, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है क्या। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाक्य जो है इसमें जो है समाहित है। दूसरा बोल रहा है, राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। ये कहीं ना कहीं इस प्रश्न, ये वाक्य जो है इस प्रश्न को संतुष्ट नहीं करता है। क्यों, यदि राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है तो वो घूमना क्यों चाहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ बोल रहा है ए ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 2 पर्याप्त है किंतु 1 पर्याप्त नहीं है। तो 2 क्यों पर्याप्त है, तो ये गलत हो गया। वाक्य 1 एवं 2 साथ में पर्याप्त नहीं है, वाक्य 1 एवं 2 साथ में पर्याप्त नहीं है। सी ऑप्शन दिया हुआ है वाक्य 1 एवं 2 दोनों पर्याप्त हैं। तो आपको क्या करना हो ना, गलत पहले ढूंढो आप, ठीक है। तो वाक्य 1 और 2 दोनों तो साथ में पर्याप्त है नहीं, तो ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहां देखो, डी ऑप्शन में दिया है केवल 1 पर्याप्त है और 2 पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब हमें इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न से मिल रहा है कि एक व्यक्ति को मैंने देखा बहुत घूम रहा है, तो उससे मैंने पूछ दिया क्या तुम्हें घूमना पसंद है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं ये बताया। तो स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों पर बहुत ही दृढ़ता से विचार करना चाहिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक सीरीज के क्वेश्चन। देखो, सीरीज भी जो है ना लॉजिक पे बेस होता है और लॉजिक जो है आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है 0, 2, 9, 28 और 65। आपको बताना है कि इस जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। दोस्तों, आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ कौन से पैटर्न बनाया जाए कि यहाँ पर फिल हो जाए। अब आपको 0 से शुरुआत किया गया है,
तो लोगों के मन में तरह तरह के लॉजिक बैठेंगे। यहाँ जो सही लॉजिक है वो इस पर बेस है कि माइनस एक का क्यूब है और प्लस वन इसमें जोड़ा गया है। माइनस एक का क्यूब माइनस वन होता है और एक जोड़ देंगे, एक कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डेडिकेट करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। माइनस एक का क्यूब प्लस एक यदि जोड़ते हैं तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमें दो लाना है तो माइनस वन के बाद प्लस वन का क्यूब प्लस वन ये क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। उसी प्रकार नौ लाना है तो दो का क्यूब प्लस वन कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे एक जी माइनस एक प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो यहाँ पर जो भरने की बात कर रहा है फाइव का क्यूब प्लस वन मतलब 125 प्लस वन क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आप एक बार क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए, इसके बाद आप जो है इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और देखिए कि क्या आपने सही प्रश्नों का जवाब दिया है। स्टूडेंट्स ये कथन निष्कर्ष का दूसरा क्वेश्चन है और ये इसमें पूर्व अनुमान बोलते हैं। देखो कथन निष्कर्ष चार प्रकार के होते हैं, एक होता है कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न देता है, कथन और पूर्व अनुमान, तर्क कथन और तर्क देता है, कथन और कार्यवाहियां देता है, कथन और निर्णय देता है, कथन और कारण देता है। इस प्रकार के छह प्रकार से प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है। ये पूर्व अनुमान का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो आपको जो है विद्यार्थियों, आपको जो है ये सोचना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि एक व्यक्ति यदि प्रश्न पूछ रहा है कि अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। तो पहला अनुमान लगाया गया है कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाती है। इसका मतलब ये हुआ यदि एक अध्यापक कार्यशाला में जाएगा तो वहाँ कुछ न कुछ नए विचार उसके मन में आएंगे ही और वहाँ से कुछ उसको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बोल रहा है कार्यशाला समय बर्बाद करती है, ये निगेटिव अनुमान है तो ये गलत हो जाता है और पहला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यहाँ पे बोल रहा है एक पहला न तो पहला न तो दूसरा ये गलत हो गया, एक और दो दोनों निहित है ये भी गलत हो गया, केवल अनुमान पहला निहित है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन हैं और सिलोगिज्म आप जानते ही हैं बहुत ही पॉपुलर होता है और हर एक एग्जाम में आपके सामने आता ही आता है, न्याय निगमन जिसे बोलते हैं। कथन में पहला दिया हुआ है कुछ फल सब्जियां हैं, तो देखो बच्चों ये फल हो गया और कुछ फल सब्जियां हैं तो ये सब्जियां हो गया, सब्जियां। ओके स्टूडेंट्स कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है तो बोल रहा है कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है का मतलब ये होता है कुछ सब्जियां ये बोल रहा है खाद्य खाद्य नहीं है। तो आपके सामने क्या पहला प्रश्न रखा है, कुछ फल खाद्य नहीं है, तो कुछ फल खाद्य नहीं है तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि फल यहाँ है खाद्य यहाँ है तो कुछ फल खाद्य नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई फल खाद्य नहीं है, ये भी सही हो सकता है। कुछ सब्जियाँ क्या हैं, फल हैं। और बताओ बच्चों कुछ सब्जियाँ फल हैं, इसका मतलब कुछ फल यदि सब्जियाँ हैं तो कुछ सब्जियाँ फल भी होंगे, तो ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वन और दो दोनों क्या है, सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है अल्फाबेट सीरीज दिया हुआ है और अल्फाबेट में आपको रिक्त स्थानों को भरना है। दोस्तों आपके पास यदि दृढ़ संकल्प है, दोस्तों दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप लाइव प्रैक्टिस सेट हमारे साथ बने रहते हैं, चूँकि शुरुआत है और डेली जो है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूँगा, तो जल्दी से अपने दोस्तों को जो है बता दीजिएगा कि कैसे जो है NTPC की तैयारी किया जाए। हमारे साथ चंद्रा इंस्टीट्यूट के साथ आप और हम दोनों लोग मिल करके सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान भरना है और आपको इसमें पैटर्न बनाना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान कैसे भरेंगे। दोस्तों आपको ये
सबसे पहले इसका नंबर लिख लेना है, जेड का कोड क्या होता है 26 होता है और यहाँ पी का कोड होता है 16। तो आपको मैं बता दूँ, पहले फ्लोर पे 26 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 16 और जे का कोड होता है 10, तो इनको भी जोड़ने पर टोटल हमारे पास कितना जा रहा है, 26 आ जा रहा है। अब देखिए, आई का कोड होता है 9, के का कोड होता है 11 और एफ का कोड होता है 6, और सबको मैं जोड़ूंगा 11, 9, 20 और 6, यहाँ भी 26 हो जाएगा। अब आपको एक पैटर्न मिल गया कि पैटर्न के थ्रू हम लास्ट डिजिट क्या भरेंगे, मतलब इस पूरे पंक्ति का भी योगफल कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो दोस्तों, ए का कोड होता है 1, एम का कोड होता है 13, डी का कोड होता है 4 और हमें चाहिए टोटल 26। तो यहाँ क्या भरना है, 13 और एक 14, 14 और 4 18 और यहाँ 8 रख देंगे तो 26 आ जाएगा। और 8 का कोड होता है क्या दोस्तों, एच होता है, तो हमारा एच आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपके सामने आकृतियों की गिनती से एक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। देखो 10 प्रश्न, 10 अलग अलग तरीके के प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इस त्रिभुज में जल्दी से गिन के बता दीजिए कितने त्रिभुज होंगे। तो आपको जो है गिन कर मैं बता देता हूँ, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3, 4, 5, 6 और एक बड़ा त्रिभुज ऐसे है और एक बड़ा त्रिभुज ऐसे है, टोटल 6 + 2, टोटल कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। याद रखना है स्टूडेंट, स्टार बनाए, स्टार में जो 5 पॉइंट वाला स्टार होता है उसमें 10 त्रिभुज होते हैं और जो 6 पॉइंट वाला स्टार होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो याद रखिएगा 5 पॉइंट में 10 होते हैं और जो 6 पॉइंट होता है इस प्रकार के 1, 2, 3, 4, 5 और 6, उसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। दोस्तों अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जो है दिशा से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न 100% पूछता है, इसलिए मैंने सोचा कि दिशा से भी संबंधित प्रश्न आपको कराया जाए। तो क्या बोल रहा है, दो मित्र एक स्थान से एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं और 10-10 मीटर की दूरी तय करते हैं, एक बायां मुड़ता है और एक दूसरा दायां मुड़ता है और 5-5 मीटर की दूरी तय करते हैं, बताइए अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। दोस्तों पहले आप जो है क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ लिया करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करो और देखो क्या आपका आंसर मैच करता है। और ये कैसा प्लेटफॉर्म है कि आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेंगे। चलिए आप जो है बच्चों डायरेक्शन पे ध्यान देते समय आपको ये देखना होगा कि पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, पहले आप क्या बना लोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमेशा मूल बिंदु से चलाना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से चलाना प्रारंभ करेंगे, मूल बिंदु से। यहाँ पे दो दोस्त हैं ए और बी और बोल रहा है कि दो मित्र हैं एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 10-10 मीटर दूरी तय करते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं बी जो है इधर 10 मीटर चला और ए जो है इधर 10 मीटर चला। दोस्तों बी इस साइड है तो आप जानते हो इधर दायां होगा, इधर क्या होगा, बायां होगा। तो ये जो है दायां मुड़ा देते हैं, इसको बी को दायां मुड़ा देते हैं, तो ए को कहाँ मुड़ाएंगे, बायां मुड़ाएंगे। और बायां का मतलब ए जो है बायां किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 मीटर। अब बच्चों ध्यान से देखना, ऐसी गलतियां लड़के करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न भी बना देते हैं ना तो ये गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा मुड़ाने के लिए ना आप बिल्कुल ध्यान से मुड़ाइएगा, ऐसा नहीं होता एक बायां मुड़ता है एक दायां मुड़ता है तो आप कैसे मुड़ाओगे। ध्यान से देखना, ए और बी जब यहाँ से चलना प्रारंभ किए थे तो बी यहाँ चला था और ए यहाँ चला था। अब लड़कों के अंदर जो कमियाँ होती हैं ना, एक को इधर मुड़ा देते हैं, एक को उधर मुड़ा देते हैं, नहीं अगर ये दायां मुड़ा रहा हूँ तो इसको मैं मुझे बायां मुड़ाना पड़ेगा और दायां पहले अपने आप को एडजस्ट करके देख लेंगे कि दायां मेरा इस साइड होता है तो ये 10 मीटर है तो ये 5 मीटर चला। अब इसके लिए हम ऐसे नहीं मुड़ाएंगे, ध्यान से देखना बच्चों, इसके लिए दायां इधर हो गया, दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया, तो जब इसको मैंने दायां मुड़ाया है तो इसको बायां मुड़ाएंगे, मतलब इसको हम इसी डायरेक्शन में मुड़ाएंगे और 5 मीटर चलेगा। इसीलिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन में फर्स्ट वाला भी कंडीशन रखा था और लड़के कहीं ना कहीं इसमें गलती करते हैं।
तो अब बोल रहा है दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो स्टूडेंट्स ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों तो जो गलती मैंने आपसे पहले किया वो गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके सामने एक जो है अल्फाबेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। अल्फाबेट का क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? आपको लिखा हुआ है होटल का संबंध 12 से है। होटल, ध्यान से जरा देखिएगा, तो होटल, होटल का संबंध है 12 से, तो आपसे पूछ रहा है कि कैट का कोड क्या होगा, मतलब कैट कैसे संबंधित होगा। स्टूडेंट्स एच का कोड 8 होता है, ओ का कोड 15, टी का 20, ई का 5 और ये 12 होता है। यदि सबको मैं जोड़ता हूँ तो 15, 8, 23, 5, 28, 12, 40, 20, 60 से हमें 12 तभी मिलेगा जब 5 का भाग देंगे। और ये लॉजिक इस पर क्या है? लॉजिक है ना एवरेज का, एवरेज मतलब औसत का लॉजिक है। किसका लॉजिक है? औसत का। और औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो मैंने पूरे अल्फाबेट को जोड़ दिया है और 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 12 आ गया। तो कैट का भी हम आसानी से निकाल लेंगे, 3, 1 और 20, टोटल 20, 1, 21, 3, 24 हो गया, 3 का भाग देंगे 8 आ जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में नॉन वर्बल सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है एनटीपीसी में, ओके। तो यहाँ पर जो है ना हेल्दी लिखा हुआ है, एच ई ए एल टी एच और वाई, और एक दर्पण को हॉरिजेंटल लगा दिया गया है। दोस्तों जब आप इसका मिरर इमेज लोगे, ठीक है, तो एच का एच ही बनेगा, ई का ई बन जाएगा, ए इस तरह से बनेगा, L जो है इस तरह से बनेगा, T ऐसे बन जाएगा, H ऐसे बनेगा और Y जो है आप जानते हो Y ऐसे बन जाएगा। तो ये जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, H E A L T H और Y, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ भी आपको भरना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एस टी टी यू यू भी और भी डब्ल्यू, देखो नंबरिंग कर देते हैं, 19, 20, 21, 21, 22 और 22 और 23। दोस्तों 19, 20, 21, 22 तो यहाँ 23 हो जाएगा और 23 का कोड क्या होता है? डब्ल्यू हो जाता है। 20, 21, 22, 23 और यहाँ 24 हो जाएगा और 24 का कोड क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डब्ल्यू एक्स, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने एनटीपीसी का पहला प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने लाया, और प्रतिदिन मैं आपके सामने लाइव क्वेश्चन जो है आपके सामने लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।